एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे मेरे घर में प्रियादीप आने वाली हैं और प्रियादीप को लग रहा है कि वो मुझे सरप्राइज़ दे रही हैं, पर उनका सरप्राइज़ मैं पूरी तरीके से ख़राब करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये क्लियर है कि प्रियादीप आ रही हैं। अब क्यों क्लियर है ये मैं भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो ये सोच रही हैं कि मेरे घर आके सरप्राइज़ देंगी और मुझे पूरी तरीके से पता है कि प्रियादीप आ रही हैं। तो फाइनली गाइस बने रही है और बस मेरी गली के अंदर बस उनकी गाड़ी एंट्री कर चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वेलकम करने के लिए हमने फूल को और दिया जला लिया है, और वो देखेगी मेरा वेलकम ना तो वो चौंक जाएगी। इसलिए अच्छा आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे जल है, ये जल इसलिए उबारा जाता है, आपको भी ध्यान दो। ये एक तरह देखा क्यों उबारा जाता है, जैसे नकारात्मक शक्ति नज़र ना लगे। हाँ, तो जो कोई भी नज़र लगा हो तो वो बुरी नज़र से इंसान बचे, ठीक है ना, इसलिए होता है। और यहाँ टीका बना लिया है, सारी चीज़ें कर लिया है और आगे आओ इसी चल रही है। और ये है, मैंने 4-5 माले हैं और इनका भव्य स्वागत करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या मस्त तो मजा आने वाली, तेजस लेने गए हैं बस गली के सामने। नहीं, तेजस तक वो आती है यहाँ पे, जब तक वो आती है तब तक मैं आपको बता दूँ, ये जो साड़ी मैं पहन रखी है ना, आप ध्यान से देखना, ये मुझे साड़ी शांति ने दी थी बहुत प्यार से। तो मैंने सोचा आज मेरे मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और इससे अच्छा स्पेशल डे और क्या हो सकता है यार, कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो और मैं शांति की दी हुई साड़ी पहनूँ, और मुझे बहुत सुंदर लगी है। थैंक यू शांति यार, तुमने इतने प्यार से और इतनी सुंदर साड़ी दी है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी तुमने इतने प्यार से मनाया, इतना बढ़िया मनाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्रिया आने वाली, काश तुम भी होती अभी ना, तो तुमको भी बड़ा मजा आता आज। और ये रिएक्शन मैं देखना चाहती थी तुम्हारा कि तुम क्या करती। तो चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सच बताऊँ तो दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, पति देव का बर्थडे और प्रिया और प्रदीप भैया घर पे, इतना अच्छा लगता है। वो भी सरप्राइज़ दे दिया इन लोग ने, और इन लोग ने जब लाइव लोकेशन मांगा था ना, तभी मुझे थोड़ा डाउट हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंतजाम कर लिया था इन लोगों का वेलकम करने के लिए। मुझे लगा पहली बार ये लोग आ रहे हैं इतने प्यार से। और फिर हम और प्रिया ने थोड़ा बहुत डांस किया। ये जो म्यूज़िक चल रही ना, यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, क्योंकि ये कार में चल रही थी और यूट्यूब का तो आप जानते ही हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इन्जॉय किए, और आगे की ब्लॉग आप नेचुरल देखिए, बहुत मजा आने वाली इस ब्लॉग पे, और आगे आगे बने रहिएगा ब्लॉग में। हम तो सो रहे थे, बहुत भयंकर थक गए थे, सब सो रहे थे यहाँ पे। अरे हम बहुत ज्यादा थक गए थे, जब गाड़ी जगह बहुत है, हमको रामूराज मिले आते। अच्छा यही वो वायरल बेड है जो रातों रात वायरल हुआ था, तो कह रहे अरे यार वो हो सकता कोई कार में, कल नहीं दिया, फिर ये आज जब 2-3-4 बार लोकेशन मांगने लगी तो मैं समझ गई कि अब तुम्हारी, मैंने कहा तुमको पता ही ना चलेगी तुम आ रही हो। और मैं बोल रही हूँ कि पता चले वो लोग पार्टी वार्टी करने गए, मुझे अलग ही सरप्राइज प्लान गड़बड़ हो गया, उनका पार्टी का सब स्पॉइल हो जाएगा। हाँ, और तुमको लगा होगा हम होटल चले गए होंगे, कहाँ चले गए, मगर मुझे जैसे ही तुमने लोकेशन मांगा ना, हम लोग सो रहे थे, मैंने कहा यशु मानो या ना मानो प्रिया 100% आ रही है घर पे। अब यार इतने दोस्त हैं, इतनी फीलिंग समझते होंगे ना, सही है कि नहीं। बैठो बैठो बैठो,
इससे अच्छा स्पेशल डे और क्या होगा। शांति इतने प्यार से दी है और कपड़े मेरे पास भी यही दोनों जन सेम पहन लेके यही वाली साड़ी पहनते। हमने कहा शांति की साड़ी यही वाली लूंगी यही वाली लूंगी। बहुत तारीफ हुई है इसकी साड़ी की, सब लोग कह रहे थे बहुत सुंदर दी है साड़ी। यार आपने तो वीडियो फटाक से डाल दिया, मेरा तो अभी गया ही नहीं है। तो मैं क्या की भैया, अभी एक्चुअली कह रहा हूं उसको थोड़ा सीढ़े में सिधा रही हूं। 12:30 बजे मैं कार पे बैठी हूं तो मुझे तो जगना है ना कार पे, तो हमको जगना है तो इनको भी जगाना है, तो वो इससे अच्छा है कि हम वीडियो ही एडिट करें। तो मैंने रास्ते से 5 ब्लॉग एडिट किए। तब आराम से सोइए। मगर भैया बहुत थकान लगी थी, हम लोग तो 6 बजे लगभग पहुंचे, 5:30 नहीं, मगर हम लोग का सही रहता भैया, दिन मतलब दिन नहीं खराब हुआ ना। अब जैसे आप लोग का क्या है, आप लोग का आज का भी पूरा दिन गया, कल का भी पूरा दिन गया देखा जाए तो। अब हम लोग क्या, वो सो आ गए तो थकान उतर गई, अब आज जो जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिए, नहीं तो फिर कल का भी दिन खराब जाएगा। तो अभी पता है मैं पास तैयार होती हूँ जीजू के लिए, केक कट करते हैं, इसके बाद निकलते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे ही मतलब जीजू केक काट भागा जाए, पाला चुमिन निकलो, पाला चुमिन निकलो, वहीं तक चाकू लेके निकलना भाई, थोड़ा केक गेट खोलो, खटखट काट दो। तो फाइनली गाइस ये मेरे छोटे आसियाने में आ चुकी हैं। बहुत प्यारा है, ऐसा आसियाना मेरा भी हो, इतना छोटा इतना इतना छोटा। ये खिड़की है, ये मेरी वायरल खिड़की है भाई, यही से बनाए, यही से बनती है। और ये सेटअप देखते ही हो, ऐसे इसीलिए दिखता रहता है। मेरे घर में ये बच्चों का बड़ा अच्छा फैसिलिटी है ना। हाँ तो यहाँ पे अभी उनको नाश्ता कराने जा रहे हैं, नाश्ता क्या चाय पिला दे रहे हैं, बस चाय चाहिए, ये फ्रेश नहीं है यार, बहुत थकी हुई है। सुबह से बनारस से गए, पता है गए जौनपुर, मैहर माता का दर्शन किए, इसके बाद फिर घर गए भाभी को देखे, फिर आए लम्बुआ जो सामान लेना था वो लिए, फिर वहाँ से डायरेक्ट बैठे हैं। रास्ते इतना खराब, रास्ता तो खराब है बहुत, ये तो है भैया रास्ता। हम लोगों का भी जो शांति वाला जो रास्ता था जिससे आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस से, ऐसे लग रहा है ऐसे हिल रहा है ना। हाँ। और हम सोचे थे कि चलो भाई हम तो ठीक ठीक है, दीदी आराम से लेटी होंगी चल के, यहाँ दीदी मस्त तैयार होके, मुझे तो क्लियर था शांति देखा ना तेरी साड़ी कितने काम आई मेरे, वही चीज। और देखो तुम्हारी साड़ी जो है इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। पहले मैंने सोचा था किसी पूजा में पहनेंगे, फिर हमने सोचा पता नहीं कब काल करे सो आज करे, हाँ ये तो चलता है, लग रहा है ऐसे रहना भी चाहिए। हाँ तो फाइनली गाइस ये मेरे छोटे आसियाने में आ चुकी हैं, बहुत प्यारा है ऐसा आसियाना मेरा भी हो, इतना छोटा इतना इतना छोटा। ये खिड़की है, ये मेरी वायरल खिड़की है भाई, ऊपर वाला यही से बनाए, यही से बनती है। और ये सेटअप देखते ही हो, हाँ ये देखते हैं ना, मस्त है आपका अलग अलग, हाँ जी ऐसे इसीलिए दिखता रहता है। हाँ कितने आराम, मेरे घर में ये बच्चों का बड़ा अच्छा फैसिलिटी है ना। हाँ तो यहाँ पे अभी उनको नाश्ता कराने जा रहे हैं, नाश्ता क्या चाय पिला दे रहे हैं, बस चाय चाहिए, चाय ये फ्रेश नहीं है यार, बहुत थकी हुई है। सुबह से बनारस से गए, पता है गए जौनपुर, मैहर माता का दर्शन किए, इसके बाद फिर घर गए भाभी को देखे, फिर आए लम्बुआ जो सामान लेना था वो लिए, फिर वहाँ से डायरेक्ट बैठे हैं। रास्ते इतना खराब, रास्ता तो खराब है बहुत, ये तो है भैया रास्ता। हम लोगों का भी जो शांति वाला जो रास्ता था जिससे आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस से, ऐसे लग रहा है ऐसे हिल रहा है ना। हाँ। और हम सोचे थे कि चलो भाई हम तो ठीक ठीक है, दीदी आराम से लेटी होंगी चल के, यहाँ दीदी मस्त तैयार होके, मुझे तो क्लियर था शांति देखा ना तेरी साड़ी कितने काम आई मेरे, वही चीज। और देख लो तुम्हारी साड़ी जो है इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। पहले मैंने सोचा था किसी पूजा में पहनेंगे, फिर हमने सोचा पता नहीं कब काल करे सो आज करे, हाँ ये तो चलता है, लग रहा है ऐसे रहना भी चाहिए। हाँ
एक्सेल ये मोटा है बंदा नहीं आ जाएगा वो एक बार चेक करके आ जाएगा और पैंट 34 कितना लगे हैं और 34 ठीक है शर्ट की हिसाब से ना आप पहन लेंगे हम भी मैचिंग मैचिंग लेके आए हैं जीजू की हो शर्ट आपकी साड़ी बहुत अच्छा की पैसा मतलब तुम्हारे पास ज्यादा काट रहा था ना सही बात हमने लगेगा इसका उसी हिसाब से लगाना ठीक है हां उसी हिसाब से इसका इसका सुंदर फोटो का थंबनेल लगाएंगे हम डैड वाला आईफोन किसके पास है वाला वहीं अंदर ही रखा हुआ है पता नहीं चार्जिंग में ना लगाओ कोई बात नहीं है मैं चलूं मैं तो धीरे धीरे चलो चलो आप लोगों का बहुत दिन कम है भगा दिए भैया को भी लेके आना तो ये दिन में भगा देंगे हम कपड़े लेके से आप तो गायब रहते हो यहां सही है ना आप जी प्रतिभा पर नहीं बैठो आ रहे बैठते हैं देख लो मेरे घर में एक भी वो नहीं है ऐसे रॉड लगा लगा के काम चलाते हैं शूटिंग में देखो वहाँ रॉड यहाँ रॉड हर जगह रॉड वो रिंग लाइट रिंग लाइट नहीं है यही बैठ जाए क्या मस्त वही हम यही बैठ के कुछ कर काम करते हैं अच्छी मिरर लगा रखी है भी जब मिरर सेल्फी लेनी हो तो ले लें चलो भैया ये प्रियो को देखना हाँ देखना नहीं अपनी भी रहेगी आ रही आ रही चल यार जीजू से कुछ सीखो कितनी केयर करते हैं कितनी कितना जो है हाथ बताते हैं अरे दीदी को सिखाओ मेरी अरे बहुत कुछ आता मेरे भाई को वो करवाते हैं हमने देखा है कहां पे दवाई दी थी नहीं दिए थे तुमको दवाई दी थी नहीं दिए थे मतलब दवाई दे दी है तो भाई हमने देखा था दवाई नहीं आप मुझ लीजिए जब आज 12 साल हो गया मतलब शादी को 12 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे एक सिंगल दवा कभी लेकर खाई होने हंस बताओ सोच लो दाई मैं प्रतिभा के खिलाफ नहीं सुन सकती राम देवन टू टिल नाउ की बात कर रहा हूं हाँ मैं दवा नहीं खाती दवा मेरी बहुत गंदी आदत है ये पता है मायके में चुना नहीं इसको ना नकली दिखाने की आदत है सच बताओ दी शादी के बाद तो मेरे नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं नखरे उठाने वाला मिल गया है मेरी मम्मी कैसी बढ़ाए तो वो खेलो वो एक रील आजकल वायरल नहीं चलती नखरा उठाना चाहता था और उठाने वाला मिल गया मतलब हम लोगों के नखरे उठाने ही वाले मिले हैं चलो चलो खाओ खाओ पियो पियो ये भाई चाय कहाँ चली गई ये ट्रे थोड़ा एक चाय चाय लेते हो क्या चाहिए जब भैया बहुत तगड़ा खेलता था बैठो आराम से बैठो केक लेने के लिए आपका क्या नाम शौर्य शौर्य मेरे स्कूल में भी शौर्य शौर्य दो तीन दर्जन मिल जाते हैं बेटा मेरा नाम मीत तेजस मीत और तेजस ना मीत मीत प्रीत मीत है प्रीत है वो मीत है तेजस बताओ इतना बड़ा फाइटर जेट एचएल ने बना दिया करे तेजस कॉमन कॉमन नहीं है मैंने कहा बैठो मैं बैठो तुम बैठो यहां से दुनिया तेजस पीछे पड़ी है मीत मीत बताए मैं एक सीरियल आ रहा था उसको देखती थी कौन सा सीरियल था जिसमें मीत होता था मीत का मैं तो डमी थी ना मीत की सीरियल का नाम था भी मीत था ये बहुत बोलिंग मिला रही है यार ओके जाए आदमी भले कंफर्ट